हाई, यू आर वॉचिंग द ब्यूटी कैनवस बाय डॉक्टर हिताशा पाटिल ओनली ऑन UCN. आज के इस एपिसोड में हम फिर एक बार एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जहां अक्सर बात होती है स्किन और हेयर से जुड़ी. और जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे कई सारी नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही है. पहले हम हमारी स्किन का केयर खुद ही रखते थे. लोगों को लगता था कि स्किन केयर मतलब खुद ही खुद की स्किन की केयर करना, साथ ही हम लोग कई घरेलू नुस्खे आजमाते थे. लेकिन आजकल कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बदल चुकी है और इसमें कई सारी नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ चुकी है जिसकी वजह से स्किन की केयर रखने में और आसानी होती है. आज भी कई लोगों को स्किन और हेयर से जुड़ी कई सारी समस्या है और इसके चलते लोग कई बार घरेलू नुस्खों को हथियार आजमा लेते हैं और उसके बाद कुछ लोगों को बेनिफिट तो मिलते हैं, हालांकि कई लोग इससे पछताते भी हैं और उसके बाद वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. अगर पहले ही डर्मेट के पास चले जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है. और इसीलिए हम लोग आपके सामने एक ऐसा एपिसोड लेकर आए हैं जहां हम बात करते हैं स्किन और हेयर से जुड़ी. और इन सारी चीज़ों को बताने के लिए हमारे साथ हमारी स्टूडियो में मौजूद रहती है नन अदर देन फाउंडर एंड चीफ कंसल्टेंट ऑफ हिताशा स्किन एंड हेयर क्लिनिक डॉक्टर हिताशा पाटिल. बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम. और हमेशा ही हम आपसे स्किन और हेयर से जुड़े कई सारे सवाल और उनको कैसे सोल्यूशन उनका किया जाए इसके बारे में जानते हैं. आज भी हम आपसे ढेर सारी बातें करने वाले, पर कहीं ना कहीं आजकल लोगों को लगता है कि यूजुअली जो स्किन केयर है वो पुरानी चीज़ें जो है वो उसका ही इस्तेमाल करते हैं और डर्मेट के पास यूजुअली लोग जाते नहीं. बट इन क्लिनिक प्रोसीजर्स भी बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से लोगों की स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है. मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि सबसे सिंपलेस्ट प्रोसीजर जो हम लोग इन क्लिनिक कर सकते हैं वो क्या है. तो सबसे सिंपल प्रोसीजर जो एक क्लिनिक में होता है वो है केमिकल पील. सो केमिकल पील क्या होते हैं, जैसे अगर मैंने आपको सैल्सिलिक एसिड दिया है या फिर एजिलिक एसिड दिया है लगाने के लिए ऑन योर एक्ने और पिंपल्स, तो उसमें 2% होता है या फिर 5% होता है मैक्सिमम इन ट्यूब्स. बट जो केमिकल पील्स होते हैं उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 20%, 30%, सम इवन कम अप टू 50-80%. तो जो ट्यूब काम करती है 2-3 है ना एक्ने कम करने में या पिगमेंटेशन कम करने में, वो पील एक ही बारी में करता है. सो दैट इज़ द सिंपलेस्ट प्रोसीजर. क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ आपका स्किन क्लीन होगा, एक सोल्यूशन लगेगा, थोड़े टाइम के लिए उसको रखेंगे एंड उसको क्लीन कर देंगे. दैट्स इट, कुछ भी नहीं होगा और 10-15 मिनट का प्रोसीजर होता है. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये जो केमिकल पीलिंग है इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं. सो केमिकल पील्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि वो अलग अलग टाइप के होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन योर कंसर्न. केमिकल पील्स आर फॉर एक्ने ऑल्सो, पिगमेंटेशन के लिए भी, एंटी एजिंग के लिए भी, टैनिंग के लिए भी, सिर्फ ग्लो के लिए भी. सो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पील्स. सो अगर आपको एक्ने है तो हम सैलिसिलिक एसिड पील आपके लिए कर सकते हैं. अगर आपको थोड़ा ग्लो चाहिए तो हम ग्लाइकोलिक एसिड पील कर सकते हैं. अगर आपका एंटी एजिंग कंसर्न है या फिर आपको रिंकल्स आ रहे हैं तो कुछ डीप पील्स होते हैं जो हम लोग कर सकते हैं. सो देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ अ वेरी सिंपल केमिकल पील. ओके, मतलब हर प्रॉब्लम के लिए, हर स्किन प्रॉब्लम के लिए कहीं ना कहीं केमिकल पील है, हम ऐसा कह सकते हैं. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से ये काम करते हैं. ओके, सो केमिकल पील एक सोल्यूशन होता है जैसे मैंने बोला आपको, एंड उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है. तो वो क्या करता है कि जो आपका स्किन का डेड स्किन लेयर है उसको निकाल देता है, एक्सफोलिएट करता है उसको, फिर वो अंदर जाता है स्किन के और जो भी आपका इशू है उस पर काम करता है. जैसे अगर एक्ने है तो वो एक्ने कम करने की काम करेगा. अगर आपका पिगमेंटेशन ज़्यादा है तो वो आपका पिगमेंटेशन कम करेगा एंड उसके बाद वो आपका जो कोलेजन है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है. तो उसके वजह से स्किन थोड़ी प्लम लगती है, ग्लो आता है और ओवरऑल फेस या फिर आपका जो बॉडी है अच्छा दिखता है. कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, केमिकल नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि इसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो ज़रूर होंगे. क्या केमिकल पील के साथ भी ऐसा है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स है? नहीं, एज सच मैं साइड इफेक्ट्स नहीं बोलूँगी, पर टेम्प्रेरी कुछ चीज़ें हो सकती हैं. जैसे अगर मैंने कोई आपके लिए डीप पील किया है तो वो ड्राई कर सकता है आपके फेस को, थोड़ा सा स्किन जो डेड स्किन लेयर है वो लिटरली निकलते हुए दिख सकता है. सो वो लोगों को सब, जैसे आपका काम है, आपका प्रेजेंटेशन काम है, टीवी पर काम है, तो यू कैन नॉट बेयर अ वीक ऑफ दैट पीलिंग ऑफ, क्योंकि आपका चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा. सो दोज आर सम टेम्प्ररी
साइड इफेक्ट्स नहीं बोलूंगी मैं, सम टेम्प्ररी सेटबैक्स जो कुछ कुछ पील्स में होते हैं, हर एक पील में नहीं होते हैं. आप लॉन्ग टर्म पे पील्स यूज कर सकते हो अगर आपको कोई कंसर्न नहीं है, आपको सिर्फ जैसे अच्छा दिखना है या फिर मेंटेन करना है, तो भी आप 2-3 महीने में एक बार भी अगर एक पील लेते हैं सो यू आर गुड टू गो. क्या ऐसा कुछ है कि ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए, लाइक ये सारे लोग कर सकते हैं या फिर इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, लाइक ये स्किन टाइप वाले नहीं कर सकते, ये स्किन टाइप वाले कर सकते हैं? ओके, सो जो पील्स है वो 18+ ही हम लोग रेकमेंड करते हैं. उसके जो नीचे जो टीनेजर्स है, बच्चे हैं, उनके लिए पील्स नहीं होते हैं, ऑलवेज 18+. एंड इन केसेस लाइक विटिलिगो, जो सफ़ेद चट्टों की बीमारी होती है, या फिर किसी को एक्जिमा है, या फिर सोरियासिस है, एक्टिव है, ये सारी जो कंडीशंस है. और अगर सपोज अगर आपको फेस पे पील करना है बट यू हैव सर्टन इन्फेक्शन हियर, या फिर आपको लगा हुआ है, तो हम पील नहीं कर सकते हैं. सो योर स्किन शुड बी नॉर्मल. टाइप कोई भी हो सकता है, ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन, यू कैन गेट इट डन. बट कोई स्किन कंडीशन, डिजीज, इन्फेक्शन या फिर ट्रॉमा स्किन पर नहीं होना चाहिए. बेसिकली इन्फेक्शन वगैरह अगर स्किन पे ना, नॉर्मल स्किन को ये इजीली सूट हो जाए. यस, इन दिनों कहीं ना कहीं हाइड्रा फेशियल, इसके भी काफी चर्चा जोरों पर है, ये आखिर क्या होता है? ओके, सो हाइड्रा फेशियल बहुत बड़ा हाइप अभी चल रहा है, नाम से ही चल रहा है, लोग आते हैं क्लिनिक में कि हाइड्रा फेशियल करना है. सो क्या है हाइड्रा? मतलब कि हाइड्रेशन. ओके, एंड फेशियल मतलब फेशियल. सो अ फेशियल दैट विल गिव यू मैक्सिमम लेवल ऑफ हाइड्रेशन. ओके, सो इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिससे हम बहुत सारे जो सिरम्स हैं आपकी स्किन में इन्फ्यूज करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको ग्लो आता है और आपकी स्किन का हाइड्रेशन लेवल बढ़ता है. ओके, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से ये होता है, मतलब इसकी प्रोसीजर क्या रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाइप है तो हर किसी को क्यूरियोसिटी है कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है. सो हाइड्रा फेशियल एक मशीन बेस्ड प्रोसीजर है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग आपका स्किन क्लेंस करते हैं, उसके बाद एक स्क्रबर आता है, उससे थोड़ा आपका फेस स्क्रब करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं. सपोज आपको ब्लैक हेड्स हैं या फिर थोड़े यहाँ पे कुछ ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, वो हम लोग निकालते हैं. उसके बाद देर आर मल्टीपल स्टेप्स, सो देर इज LED लाइट थेरेपी, रेड लाइट या ब्लू लाइट वो हम देते हैं, थोड़ा सा मसाजिंग होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है जो आपके स्किन को टाइट करता है, देन देर आर सर्टेन पील्स एंड मास्क एंड इन्फ्यूजन ऑफ सिरम्स. सो बहुत लंबे स्टेप्स हैं, 30-45 मिनट्स का ये सारा प्रोसीजर होता है. एंड इफ़ यू सपोज आपको एक्ने है पर यू आर कीन ऑन डूइंग अ हाइड्रा फेशियल, तो हम जो सिरम होता है वो एक्ने प्रोन स्किन वाला सिरम यूज़ करते हैं. अगर आपका स्किन ड्राई है और आपको फेशियल से थोड़ा हाइड्रेट करना है तो उसका सिरम अलग आता है. सो इट इज सिरम बेस्ड एंड मल्टीपल स्टेप बेस्ड प्रोसीजर. जिस तरीके से आपने बताया, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके बेनिफिट्स कई सारे, आप क्या बताएंगे इस बारे में? ओके, सो हाइड्रा फेशियल लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मुझे एक्ने है, मतलब थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि अगर मुझे एक्ने है तो हाइड्रा फेशियल कर लेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा, या फिर मुझे टैनिंग है तो मैं हाइड्रा फेशियल लूँगी तो वो चला जाएगा. एक्चुअली नहीं होता है ऐसा. हाइड्रा फेशियल इज़ गुड फॉर पीपल, मोस्टली इट इज़ गुड फॉर पीपल जिनका नॉर्मल स्किन टाइप है, थोड़ी मेच्योर स्किन है, जैसे हमारी मदर्स की एज या फिर 50s या फिर 60s में, तो उनको थोड़ा रिलैक्सिंग लगता है, ग्लो आता है. सो अगर आपका कोई प्रोग्राम है जैसे 2 या 3 दिन के बाद एंड यू टेक हाइड्रा फेशियल, तो वो 1 हफ्ते तक उसका ग्लो रहता है. उसके बाद आप मेकअप भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. सो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन. सो इट इज़ नॉट अ वन स्टेप सोल्यूशन टू एवरीथिंग, इट विल जस्ट गिव यू हाइड्रेशन एंड ग्लो, दैट्स इट. ओके, तो क्या ये सिर्फ जो मिडिल एज लेडीज है वही कर सकती है या फिर बाकी और कोई कर? नहीं, बाकी लोग भी कर सकते हैं, बट इट इज़ मोर सूटेड टू दैट काइंड ऑफ स्किन, मेच्योर स्किन, क्योंकि वैसे भी उनको फेशियल्स करने की आदत होती है. क्योंकि मोस्टली वो लोग डर्मेट के पास जाते नहीं हैं और वो लोग घर पे ही सलोन में फेशियल्स करते हैं, एंड उनका मेन एम ये होता है कि थोड़ा रिलैक्सेशन हो. क्योंकि मसाजिंग वगैरह होता है, मसाज से भी कोलाजन बूस्टिंग होती है थोड़ी बहुत, एंड ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. सो वो उनकी स्किन टाइप में दे कैन फील द डिफरेंस एंड दे कैन अप्रिशिएट दैट रिजल्ट मोर. ओके, अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आपकी स्किन हमेशा ही मुझे जब भी मैं आपको देखती हूँ इट्स लाइक ग्लोइंग, काफ़ी ज़्यादा अच्छी. आपने किन ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया, क्योंकि कई लोगों को ऑब्वियसली जानना है. लोग मुझे पूछते भी क्लिनिक में, बोलते भी कि मैम आपकी जैसी स्किन चाहिए, बट मैंने मेरी स्किन पे एटलीस्ट 5 से 6 साल तक काम किया है. तब जाके अभी अगर मैं कुछ भी ना करूँ तब भी मेरा स्किन अच्छा रहेगा, पर लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो इतने साल अपनी स्किन पे काम करें. सो बेसिकली जो प्रोसीजर
प्रोसीजर्स मैंने किए हैं, केमिकल पील तो मैं करती रहती हूँ बिकॉज मेरी थोड़ी एक्ने प्रोन स्किन है, तो उसके लिए मुझे केमिकल पील्स हमेशा बीच बीच में लगते रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने लेजर हेयर रिडक्शन करा है, सो लाइक यू कैन सी आई हैव अ लॉट ऑफ हेयर. सो ऑन माई बॉडी ऑल्सो आई हैड अ लॉट ऑफ हेयर. तो जब मैं वैक्स करती थी या फिर शेव करती थी तो काफ़ी पेनफुल होता था एंड बॉयल्स भी आ जाते हैं कभी कभी. एंड आपको जिस प्रोग्राम में जाना है, आपको जो कपड़े पहनने हैं, अगर वो आपका स्केड्यूल मैच नहीं होता है तो आप पहन भी नहीं पाते हो. तो मुझे वो बहुत था बिकॉज आई एम वेरी कीन ऑन वेयरिंग गुड क्लोथ्स एंड वेयरिंग अ पर्टिकुलर क्लोथ एंड गोइंग समवेयर. तो आई वाज लाइक अभी तो मुझे लेज़र करना ही है. तो ये दो चीज़ें मैं करवाती रहती हूँ, मतलब लेज़र हेयर रिडक्शन एंड केमिकल पील्स. उसके अलावा मैंने लेज़र में क्यू स्विच लेज़र भी किया है विच इज़ वेरी गुड फॉर पिगमेंटेशन. अगर आपको पिगमेंटेशन है, मतलब हाइपर पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, और या फिर बहुत पतले बाल होते हैं किसी किसी को फेस पे, तो वो बाल भी ब्लू टोनिंग से ब्लीच जैसा इफेक्ट आता है. इट इज़ नॉट ब्लीच, ब्लीच जैसा इफेक्ट आता है जो मेरे फेस पर भी थे, तो मैं वो भी करती हूँ ताकि वो थोड़ा कैमोफ्लेज हो जाए और स्किन टोन इवन दिखे. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने अभी दो लेज़र ट्रीटमेंट का जिक्र किया, क्या और भी लेज़र ट्रीटमेंट्स होती है, क्या बताएंगे आप? येस, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ लेज़र्स. सो जैसे लेज़र हेयर रिडक्शन है जो हेयर कम करता है, क्यू स्विच लेज़र है जो पिगमेंटेशन पे काम करता है, देन देर आर लेज़र्स विच विल इंक्रीज द कोलेजन इन योर स्किन. जैसे किसी को एक्ने स्कार्स हैं या खड्डे हैं तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है. एंड देर आर सर्टन लेज़र्स जो इवन एंटी एजिंग में काम करते हैं, जो अगेन कोलेजन बूस्ट करते हैं, बट वो बहुत डीप जाते हैं और आपकी स्किन को भी टाइट करते हैं. दोज आर CO2, फ्रैक्शनल CO2 लेज़र्स. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लेज़र्स एंड उनका यूज़ हम लोग कंसर्न बेस्ड करते हैं. आपका क्या कंसर्न है उसके हिसाब से वी सिलेक्ट द लेज़र एंड देन वी प्रोसीड. ओके, उसके बेनिफिट्स, अगर हम लोग लेज़र के बेनिफिट्स की बात करें, आपने जो लेज़र के बेनिफिट मतलब यूज़ किए हैं, मुझे उसका बेनिफिट तो दिख रहा है आपके चेहरे पर, बट और क्या बेनिफिट होते हैं? ओके, सो लाइक आई सेड, अगर आप कंटिन्यूसली क्यू स्विच लेज़र लेते हैं या फिर आप MNRF या फ्रैक्शनल CO2 लेज़र्स लेते हैं, तो कोलेजन बूस्ट होते रहता है आपकी स्किन में. सो योर स्किन विल नॉट डेवलप फाइन लाइंस, रिंकल्स बहुत जल्दी नहीं आएंगे, आपका फेस प्लम दिखेगा और यूथफुल दिखेगा. एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस अ लॉट ऑफ पिगमेंट, हाइपर पिगमेंटेशन एंड टैनिंग. सो दैट इज़ हाउ इट कैन बी यूज. लेज़र हेयर रिडक्शन में क्या होगा कि हेयर तो वो कम करता ही है, पर जैसे जिसको हम स्ट्रॉबेरी स्किन बोलते हैं या चिकन स्किन बोलते हैं, उसको मेडिकल लैंग्वेज में केराटोटिस पाइलारिस बोलते हैं. इनग्रोन हेयर, द मोस्ट कॉमन थिंग, इनग्रोन हेयर जो पूरे पैरों पे या हाथों पे किसी किसी को होता है, वो भी कम हो जाता है क्योंकि हेयर ही नहीं है तो ट्रैप नहीं होता है वो स्किन के अंदर. इनग्रोन हेयर ही नहीं है तो इनग्रोन कैसे होने वाला है? सो यू गेट अ स्मूदर स्किन. सो दैट ऑल्सो लेज़र ऑल्सो हेल्प्स इन दिस इनग्रोन हेयर. मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे हाइड्राफेशियल के बारे में हमने डिस्कस किया, उसका भी काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, और साथ में मेडिफेशियल्स, इसका भी काफ़ी ट्रेंड चल रहा है इस बार, इन दोनों ट्रेंड. मैं आपसे इस बारे में जानना चाहती हूँ कि आखिर वो क्या है. ओके, सो हाइड्राफेशियल एंड मेडिफेशियल्स आर टू डिफरेंट थिंग्स. हाइड्राफेशियल इज़ कम्प्लीटली मशीन बेस्ड. मेडिफेशियल्स में हम लोग क्या करते हैं कि वो आपके स्किन टाइप के हिसाब से यूनिकली कस्टमाइज होता है. जैसे मेरी जो स्किन है वो एक्ने प्रोन ड्राई स्किन है. ओके, ड्राई भी है, थोड़ी एक्ने प्रोन भी है. सो वॉट आई विल डू इज आई विल यूज सर्टन प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं, दोज आर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, दोज आर नॉट सलून बेस्ड प्रोडक्ट्स या फिर नॉर्मल प्रोडक्ट्स जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं. दीज आर फार्मास्यूटिकल लेवल प्रोडक्ट्स जो आपको रिजल्ट देते हैं. तो मेरे स्किन का कंसर्न है एक्ने एंड ड्राइनेस, सो आई विल कंबाइन प्रोडक्ट्स विच विल गिव मी हाइड्रेशन विच विल ऑल्सो रिड्यूस एक्ने, एंड वी कंबाइन इट विद सर्टन प्रोसीजर्स ऑल्सो. जैसे मेरा हेयर का इशू है अगर फेस पे, तो मैं क्यू स्विच लेज़र के साथ उसको कंबाइन करती हूँ. अगर किसी को फाइन लाइंस का इशू है तो हम उसको LED मास्क या फिर लो लाइट थेरेपी, रेड लाइट जो मास्क आते हैं उसके साथ हम कंबाइन करके उनको वो कस्टमाइज करके देते हैं. सो दीज आर मेडिफिशियल्स. ओके, अगर हम लोग बात करें सलोन की, तो क्या ये मतलब किस तरीके से ये सुपीरियर है, क्योंकि मेडिफिशियल अगर हम डर्मेट के पास से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, किस तरीके से ये सलोन के प्रोसीजर्स से सुपीरियर है? ओके, सो सलोन बेस्ड जो फर्स्टली जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, वी डोंट नो इफ इट इज़ गोइंग टू सूट योर स्किन टाइप. ठीक है, एक डर्मेट जब आपका स्किन टाइप एनालाइज करता है और कोई नॉर्मल पर्सन करता है, देर इज़ ज़मीन आसमान का फ़र्क. सो फर्स्ट इज़ कि करेक्ट एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं हम आपका स्किन, और उसके हिसाब से हम आपको फिर वो सारा कस्टमाइजेशन करके देते हैं.
सेकेंड इज कि द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड. व्हेन यू गो टू अ सैलून यू डोंट नो व्हाट दे आर यूजिंग. वो आपको सूट करेगा या नहीं, इन्फेक्शन होगा, एलर्जी होगा, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स तो नहीं है. बट क्लिनिक में ऐसा नहीं होता है. वी मेक श्योर कि आपके जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं दोज आर फार्मास्यूटिकल लेवल प्रोडक्ट्स, एक्सपायर्ड नहीं है, बिकॉज एज डॉक्टर्स वी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. आपकी हेल्थ हमारे हाथ में है, सो वी डोंट प्ले विद दैट. थर्ड इज हाइजीन. हाइजीन बहुत ज़रूरी इन सारी चीज़ों में, क्योंकि अगर मैं आपका ब्लैक हेड्स एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ और वही चीज़, वही प्रोब अगर मैं किसी और पे यूज़ कर रही हूँ, उनको कोई इन्फेक्शन है, या फिर द सेम टॉवल इफ़ आई एम यूजिंग फॉर यू, आई एम यूजिंग फॉर समवन एल्स हु हैज़ एन इन्फेक्शन, सो यू कैन ऑल्सो यू नो गेट दैट इन्फेक्शन. सो हाइजीन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम सैलून. सो दीज थ्री थिंग्स, बेसिक थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वॉट कि एक क्लिनिक सुपीरियर है रादर देन अ सैलून. मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है और जो कंसल्टेशन है वो भी बहुत सही होता है, मेडिकेशंस भी प्रॉपर होते हैं, और हाइजीन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैं आपसे एक एज ऑन क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि कहीं ना कहीं आपने आज जो जितनी प्रोसीजर्स बताई, तो ऐसी कौन सी एक ट्रीटमेंट है जो हर किसी को अपनी लाइफ में एक बार तो ज़रूर करनी चाहिए? ओके, सो फॉर एवरीबडी आई वुड से कि एक केमिकल पील आप एक बार ही कर देखिए, आपको कैसा फील होता है, आपके स्किन टाइप के हिसाब से यू विल फील सैटिस्फाइड एंड यू विल फील हैप्पी विद द रिजल्ट्स बिकॉज दे वर्क. एकदम सिंपल प्रोसीजर है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, और हो जाता है 10-15 मिनट में, और रिजल्ट्स आपको पूरा महीना दिखते रहते हैं. सो यू कैन गो फॉर दैट. एंड सेकंड इज लेज़र हेयर रिडक्शन, स्पेशली फॉर इंडियन हेयर टाइप, जहाँ पे वी हैव अ लॉट ऑफ हेयर ऑन आर बॉडी, जो इतना है कि कभी कभी हमको वो प्रॉब्लम देने लगता है. सो यू शुड एटलीस्ट गेट वन सेशन ऑफ लेज़र हेयर रिडक्शन, एटलीस्ट मे बी ऑन योर अंडर आर्म्स, एंड ट्राई कि आपको वो कैसा फील हो रहा है. एंड बिकॉज आई हैव पर्सनली डन इट, आई विल नेवर रिग्रेट डूइंग लेज़र हेयर रिडक्शन. इट वॉज द बेस्ट डिसीजन दैट आई टुक. ओके, वेल अब फेवरेट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो मेरा फेवरेट सबसे ज़्यादा है, मिथ्स वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी बात आती है स्किन और हेयर से जुड़ी, तो लोगों को बहुत सारे मिथ होते हैं, लोगों को लगता है कि ये सही है नहीं है. तो आज इसी सेगमेंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आपके लिए है वो है ये है कि क्या केमिकल पील से स्किन पतली होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बहुत सारे लोग ऐसे मुझे पूछते हैं कि अगर मैंने पील किया तो कुछ गलत होगा क्या, या फिर स्किन पतला तो नहीं हो जाएगा? सी द इंग्रेडिएंट्स दैट वी आर यूजिंग इन द पील आर लाइक एंटी एक्ने और पिगमेंटेशन को कम करने वाले इंग्रेडिएंट्स है, तो वो बढ़ाएगा कैसे? प्रॉब्लम को बढ़ाने वाले यू नो इंग्रेडिएंट्स नहीं है उसमें. और स्किन पतला होने की बात है कि वो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज़ गोइंग इनसाइड योर स्किन एंड इट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू बूस्ट कोलाजन. तो जितना कोलाजन होगा उतना अच्छा आपका स्किन रहेगा. जब कोलाजन डिप्लीट हो जाता है तब आपकी स्किन सैग करती है और पतली लगती है. सो नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक योर स्किन थिनर. ओके, कहीं ना कहीं हमने लेज़र का भी जिक्र किया आज, और लेज़र को लेकर तो कई सारे भ्रम है लोगों में, कई सारे मिथ्स है. आपसे ये जानना चाहती थी, कई लोगों को लगता है कि लेज़र की वजह से कैंसर होता है, क्या ये सही है? क्या ऐसा कोई रिलेशन है लेज़र और कैंसर का? ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह की धूप लेते हो, सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में, तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी. आपका विटामिन डी बढ़ता है, आपका जो सर्कैडियन साइकिल है आपके बॉडी का वो रेगुलेट होता है, उसके फ़ायदे है. बट अगर वही धूप आप नागपुर में 12 बजे से 4-5 बजे तक अगर लोगे, तो आप पूरे टैन हो जाओगे, बर्न हो जाओगे, हीट स्ट्रोक भी आ सकता है ऐसे मौसम में, तो है ना. सो इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. तो जो लेज़र की वेवलेंथ है, उसके लाइट की जो वेवलेंथ है, इट इज़ कम्प्लीटली सेफ. इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एस्थेटिक प्रोसीजर्स एंड मशीन्स टू बी इन्वेंटेड, एंड बहुत ही अच्छे से रिसर्च्ड है, बहुत ही सेफ है, इफेक्टिव है. सो नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉज एनी कैंसर. मतलब कोई रिलेशन नहीं है, प्योरली एक मिथ है. यस, जब वो लॉन्च हुए थे ना लेज़र्स, तब क्योंकि वो लाइट था एंड कंटिन्यूस लाइट एमिशन था, और लोगों को इतना कुछ पता नहीं था कि वेवलेंथ अलग अलग होती हैं और इससे ऐसा नहीं होता, इससे वैसा नहीं होता, तो वो मिथ एक चल गया कि कैंसर होता है, वो अभी तक चल ही रहा है. मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे हमने हाइड्राफेशियल का जिक्र किया और इन दिनों काफी ट्रेंड में चल रहा है, तो इसको लेकर भी कई सारे मिथ्स भी है. लोगों को लगता है कि एक बार हाइड्राफेशियल कर दिया तो उसके बाद कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, कितना सच्ची है. नहीं, हाइड्राफेशियल इज नॉट वन स्टेप सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको बोला था पहले भी. सो
इट विल जस्ट गिव यू गुड हाइड्रेशन इन योर स्किन, इट विल, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू गिव यू अ ग्लो, क्योंकि हाइड्रेशन लेवल बढ़ गया है. बट इफ यू हैव एक्ने, इफ यू हैव मिलाजमा, इफ यू हैव एनी अदर स्किन कंडीशंस, वो उसका सोल्यूशन नहीं है. इट इज जस्ट लाइक चेरी ऑन द केक. ठीक है, स्किन को अगर ग्लो करवाना हो थोड़ा सा तो उसके लिए हाइड्राफेशियल इज गुड, बट सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है. मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे हमने अभी हेयर रिमूवल, हेयर रिडक्शन का प्रोसेस जिसके बारे में आपने जिक्र किया, लोगों को लगता है कि इसकी वजह से स्किन और खराब होती है. मतलब हम लोग एक बार अगर ये ट्रीटमेंट कर ले तो इसकी वजह से स्किन को और प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होते हैं, कितना सच है? नहीं, लेज़र जैसे अगर हेयर रिडक्शन की आप बात कर रहे हो ना, तो उसमें स्टेप्स क्या होते हैं कि हम शेव करते हैं, लेज़र करते हैं और उसके ऊपर हम लोग मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन लगा के आपको भेज देते हैं. बाकी काम लेज़र का जो एमिशन अंदर गया है वो करने वाला है. सो एज सच तो ऐसा कुछ भी ख़राब नहीं होने वाला, आपकी स्किन अच्छी ही होने वाली है. जैसे मैंने बोला कि इनग्रोन जो है लेज़र हेयर रिडक्शन के साथ साथ वो भी प्रॉब्लम चला जाता है. कुछ कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि स्किन स्मूथ लग रही है एंड पिगमेंटेशन स्पेशली इन अंडर आर्म्स कम हो गया है. वी डोंट से दैट, बट कुछ कुछ लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं. सो दीज टू थिंग्स ऑल्सो यू कैन गेट विद लेजर हेयर रिडक्शन. सो खराब तो नहीं होगा. अगर आपने अच्छे क्लिनिक से डर्मेट के पास ही कराया तो मतलब सही, अगर आपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसिडर किया, कंसल्टेशन किया, तो वो सही होगा. यस, वेल, जाते जाते सभी व्यूअर्स को एक टिप क्या देंगे? ओके, डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ प्रोसीजर्स डन इन डर्मेट क्लिनिक. आपको उन प्रोसीजर से डरना चाहिए जहाँ पे द पर्सन डूइंग दैट फॉर यू डजंट हैव एनी डिग्री, या फिर वो ऐसी डिग्रीज क्लेम कर रहे हैं जिनका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में कोई रिकग्निशन नहीं है. सो आपको उन चीज़ों से डरना चाहिए. यस, इन अ डर्मेट्स हैंड यू आर कम्प्लीटली सेफ एंड वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू विद योर स्किन, हेयर एंड नेल्स. सो कम टू अस. सो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा कि किसी ऐसे इंसान से कंसल्ट कीजिए जिसको उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज हो, ऐसे के पास नहीं जाइए जिसके कुछ भी पता नहीं है, उसने डिग्री नहीं लेके रखी है और फिर भी वो आपकी स्किन के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ भी हो सकता है. तो डर्मेट से कंसल्ट कीजिए, वो आपको सही राह दिखाएंगे. और थैंक यू सो मच मैम, आज हमें आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, हाइड्राफेशियल के बारे में बताया, मेडिफेशियल के बारे में बताया, कहीं ना कहीं लेज़र को लेकर जो लोगों में मिथ्स थे उसको भी आज आपने क्लियर कर दिया. और अगर आपको भी स्किन या हेयर से जुड़ी ऐसी कोई भी समस्या है तो आप एक बार ज़रूर हिताशा क्लिनिक में जाके मैम से कंसल्ट कर सकते हैं. और स्किन और हेयर से जुड़े ऐसे ही सवाल अगर आपके दिमाग में भी हो तो उनका निवारण हम यहाँ करेंगे, मैम के साथ डिस्कशन करेंगे. एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड हैप्पी होलिस्टिक हीलिंग.